हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल foundmybook.com पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट रैंक पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित बुक फर्स्ट ग्रेड स्कूल न्यायिकता प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र बुक के बारे में। ये जो बुक है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्यता, इस बुक में जो आपको शैक्षिक प्रबंधन देखने को मिलता है और मानसिक योग्यता, इतिहास, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी व हिंदी, सांख्यिकी व गणित, समसामयिकी, ये सभी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो बुक है ये पूर्णतः नवीन परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार NCERT पैटर्न पर आधारित पाठ्यक्रम है। अच्छा, इस जो बुक के जो लेखक है वो है गरिमा रेवाड़ और BL रेवाड़ LLB। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करें हम इस बुक की, तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बुक है। और अगर हम इसके बैक कवर पर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन द्वारा जो प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है। तो अगर आप इनमें से किसी कंपटीशन फाइट को फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स को, तो आप इनमें से किसी भी बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या इनमें से किसी बुक को बाय कर सकते हैं जो कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। अच्छा, अब हम इस बुक की अगर प्राइस की बात करें तो वो है 920 रुपये की प्राइस है इस बुक की। 920 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। आप किसी भी बुक स्टोर से इसे बाय कर सकते हैं या आप अगर हमारे ऑनलाइन वेबसाइट foundmybook.com से इसे बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से भी इसे बाय कर सकते हैं, जिस पर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इस बुक की विषय वस्तु की इंडेक्स के बारे में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस बुक का जो इंडेक्स है। की तरफ चलते हैं तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ इसका इंडेक्स मिल जाएगा आपको, विषय सूची का जो है विषय सूची। अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्स की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट मिलता है शैक्षिक प्रबंधन। उसके ऊपर भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे RPSC स्कूल व्याख्यता भर्ती एग्ज़ाम 3 जनवरी 2030, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़। उसी के साथ में RPSC स्कूल व्याख्यता भर्ती 6 जनवरी 2020, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़। अब बात करें शैक्षिक प्रबंधन की, तो यहाँ पर आते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे शिक्षा प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंध की अवधारणा एवं प्रकार, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंध एवं प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का संगठन, विकेंद्रित आयोजना की एक इकाई के रूप में विद्यालय, शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली, संस्थागत नियोजन, शाला मानचित्रण, विद्यालय प्रबंध समिति, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, सर्व शिक्षा अभियान, खंड संदर्भ केंद्र, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे शैक्षिक प्रबंधन के। उसकी बात करें हम इतिहास की, तो उसमें भी आपको कई पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे मौर्य काल में कला विज्ञान एवं साहित्य का इतिहास, गुप्त काल में कला विज्ञान एवं साहित्य, प्राचीन भारत में शिक्षा एवं शिक्षा केंद्र, भारत का विदेशों से सांस्कृतिक संबंध या बृहत्तर भारत, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, और ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा इतिहास के अंदर कुछ पॉइंट्स और भी है, जैसे शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य, 7वीं से 12वीं सदी में राजपूत राजनीति, समाज, संस्कृति, महाराणा प्रताप, मुगलों के साथ संघर्ष, ऐसे और भी कई पॉइंट्स है। उसके बाद हम बात करें भारतीय राजनीति की, तो उसमें भी आपको 8 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही राजस्थान का भूगोल में भी आपको 11 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, और साथ में सामान्य विज्ञान जो विषय है उसमें भी आपको कई पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें देख सकते हैं। ऐसे ही तार्किक योग्यता, गणित, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी और समसामयिक टॉपिक्स पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं शुरुआत का चैप्टर शुरू है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, आप चाहे तो इनमें बहुत ही इजी है रीड, इजी टू रीड है ये बुक, मोटी किताब है, आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्यता कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट foundmybook.com से इसे परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसे बाय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।